जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी एवं जी में अंतर। जी हां दोस्तों, आप सभी देख पा रहे होंगे एक तरफ आपका स्मॉल जी है और दूसरे तरफ आपका कैपिटल जी है, और आज के इस सेशन में इस दोनों में क्या अंतर होता है इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे मित्र इस दोनों में क्या अंतर होता है उसको समझ रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं समझ रहे होंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज के बाद से आपको जी और जी में अंतर से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न दे दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। बहरहाल आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग जी एवं जी में अंतर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी भी ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े हैं और आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि गुरुजी हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं गुरुत्वीय त्वरण की। हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? गुरुत्वीय त्वरण की। ध्यान में रखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहते हैं कि गुरुजी छोटा वाला जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही ये जो आपका कैपिटल जी है आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो है ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसी को इंग्लिश में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको इंग्लिश में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो आप सभी इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखेंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी अब हम लोग ये अच्छे से समझ रहे हैं कि जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक में क्या अंतर होता है ये है। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ये एक्चुअली में होता क्या है, या इसको हम लोग आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर, त्वरण लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गुरुत्वीय लिखा हुआ है। तो आप सबों को यहाँ पे बड़े ही सरल शब्दों में समझना है कि ऐसा त्वरण जो पृथ्वी के गुरुत्व बल के चलते उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप कहेंगे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट। तो कोई भी आपसे पूछे ये बताओ कि गुरुत्वीय त्वरण से तुम क्या समझते हो, तो आप क्या कहेंगे कि किसी भी वस्तु में उत्पन्न वैसा त्वरण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते होती है उत्पन्न, उसको हम लोग क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। मेरे मित्र, बड़ा ही कॉमन सा और आप कह सकते हो कि बड़ा ही सिंपल सा इसका एक एक्सपेरिमेंट है जो आप आसानी से करके भी देख सकते हो। जैसे आप किसी चीज़ को हाइट से नीचे गिराते हो तो आप क्या कहते हो कि गुरुजी जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है उसकी कुछ ना कुछ वेव होती है, और जब गिराते हो तो उस वक्त उसका वेग क्या होता है? जीरो होता है, और जैसे जैसे वो नीचे जाता है उसका वेग बढ़ते चला जाता है। तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी यहाँ पे जो है जब वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जाता है तो वस्तु का वेग जो है वो समय के साथ क्या होता है? परिवर्तित होता है। लेकिन ये जो वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा है वो किसके बदौलत हो रहा है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी हर एक चीज़ को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, और किसी भी चीज़ को हम ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते नीचे आ जाती है। भाई मेरे, जब आप वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ रहे हो और आप कह रहे हो कि इसको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींच रहा है, तो इस वस्तु को नीचे आने में, इस वस्तु में जो नीचे आने में वेग उत्पन्न हो रहा है या वेग में परिवर्तन हो रहा है वो किसके बदौलत हो रहा है? आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बदौलत हो रहा है। तो हमने आपको क्या खराब डेफिनेशन बताया कि वैसा त्वरण जो किसी वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते उत्पन्न होती है उसी को गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है। आप कहेंगे चलो सर ये तो 100% क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ कि ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था। अब सवाल ये है कि गुरुजी इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यह वास्तव में ये होता क्या है? जनरली हम लोग रट लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू इतना इतना होता है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि वास्तव में ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है क्या, कांस्टेंट वैल्यू जो है वो है क्या, तो आप सभी कहते हैं सर हम लोग तो सिर्फ इतना ही समझ रहे होते हैं, आगे कुछ बता ही नहीं पाते हैं। मेरे मित्र आसानी से बताओ,
आप सभी हमेशा ध्यान में रखना, ये जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये एक्चुअली किसके बराबर होती है? ये गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होती है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर तब होती है जब दो एक एक केजी का वस्तु, दो एक एक केजी का वस्तु एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर स्थित होता है, तब उसके बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किसके बराबर होता है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बराबर होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होता है। तो हम सभी क्या कहते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, ये दो एक केजी द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं तब उसके बीच में लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। न हो तो आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं? कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कैपिटल जी लिख देते हैं, आप सभी समझ जाएंगे। जो आपका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, ये दो एक केजी द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये दो एक केजी द्रव्यमान युक्त वस्तु जब एक मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं तो उसके बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होती है। अब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अब हम चाहें तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को अच्छे से डिफाइन भी कर सकते हैं। और क्या कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है, ये दो एक केजी द्रव्यमान युक्त वस्तु जब एक मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं एक दूसरे से, तो उसके बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होते हैं या बराबर होती है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, ऐसे हम लोग कहते भी हैं। क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी है, ये किसके बराबर होता है? F के बराबर होता है। और ये F आपका कौन सा है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये जो F है, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आप कहेंगे चलो सर ये भी समझ लिया कि ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होगा जो किसके बराबर होगा, तो जब दो द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर स्थित होगा तो उसके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होगा, मतलब उसके बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा, उसके बराबर कौन होगा? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होगा। और साथ ही जो गुरुत्व त्वरण होगा वो पृथ्वी के गुरुत्व बल के चलते उत्पन्न त्वरण होगा। लेकिन ये बताओ कि इस दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में तो ये भी पूछा जाता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग गुरुत्व त्वरण की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी गुरुत्व त्वरण इक्वल टू फार्मूला होता है जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर। गुरुत्व त्वरण के लिए फार्मूला क्या होता है? जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो जी है वो क्या है? आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। साथ ही ये जो एम ई है ये क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखना, ये मास ऑफ अर्थ है। क्या है? चला मास ऑफ अर्थ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी का द्रव्यमान। और ये आर ई स्क्वायर क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखना, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की त्रिज्या कहते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि ये बताओ कि गुरुत्व त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा, आप कहेंगे जी इक्वल्स टू जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, एम ई पृथ्वी की द्रव्यमान है, आरी क्या है? तो आप कहेंगे पृथ्वी की त्रिज्या है। आप कहेंगे चलो सर ये तो याद रह जाएगा, लेकिन ये बताओ कि ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो मेरे मित्र इसका भी फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। जैसे आप सभी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हो, तो आप कहते हैं कि गुरुजी हम लोग लिखते हैं एफ इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू बटा आर स्क्वायर। क्या लिखते हैं? एफ इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू बटा आर स्क्वायर। मेरे मित्र यहीं से हम लोग जी को क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। कैसे? तो जब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू। क्या हो जाएगा अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एफ आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एम वन इंटू एम टू हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ से जी निकालना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी जी इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटा एम वन इंटू एम टू। तो आप सभी क्या कहेंगे, ये जो हमारा जी है, ये जो हमारा जी है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी कैपिटल जी के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटा एम वन इंटू एम टू। क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर बटा एम वन इंटू एम टू। मेरे मित्र ध्यान देंगे, एफ क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। आर क्या है? तो दोनों ही वस्तु के बीच का जो कह सकते हो रेडियस, या आप कह सकते हो दूरी, और साथ ही साथ रेडियस नहीं कहेंगे, आर जो है वहाँ यहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे दोनों ही वस्तु के बीच की दूरी है, ठीक है। और M1 और M2 क्या है? तो पहले वस्तु का द्रव्यमान को हमने M1 से रिप्रेजेंट किया और दूसरे वस्तु के द्रव्यमान को M2 से रिप्रेजेंट करा। अब मेरे मित्र यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि ये जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये दो एक केजी द्रव्यमान युक्त वस्तु जब एक मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं तो उसके बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होती है। तो आप इस चीज़ को इस फॉर्मूला से भी प्रूफ कर सकते हो। कैसे? तो आप थोड़ा देर के लिए मान लो कि आपके पास दो एक एक केजी के वस्तु हैं। दो क्या हैं? एक एक केजी के वस्तु हैं जो एक दूसरे से क्या हैं, तो एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर स्थित हैं। सपोज कर लो कि ये आपका ए और बी, ए और बी क्या है, दो ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान कितना है, तो इसका द्रव्यमान एक केजी है और इसका भी द्रव्यमान एक केजी है, और ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर स्थित हैं। क्या है सर? एक मीटर की दूरी पर स्थित हैं। और मेरे मित्र ध्यान देना, आप g इक्वल टू फॉर्मूला ये बताए हो तो आप क्या कहोगे कि गुरु जी g इक्वल टू हो जाएगा हमारा f, और साथ ही साथ यहाँ पे r स्क्वायर है, r स्क्वायर दोनों वस्तु के बीच की दूरी, तो हम लोग क्या करेंगे? आप कहेंगे कि सर एक का स्क्वायर कर दीजिए बटा m1 into m2, दोनों ही वस्तु का द्रव्यमान कितना है, तो गुरु जी एक एक के जी का है, वन इंटू वन हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो वन वन हमको दिख रहा है, यहाँ पे हम वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वन ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वन इंटू वन आप क्या कहेंगे, वन ही होगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग सरल शब्दों में क्या कहते हैं कि जब दो एक केजी द्रव्यमान युक्त वाली वस्तु एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर स्थित होती है, तब जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है वो किसके बराबर होता है? आप कहते हैं उस दोनों ही वस्तु के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। यानी कि या आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बराबर होता है। कब? जब दो एक एक केजी का वस्तु एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर स्थित रहता है। तब आप कहेंगे चलो गुरुजी हमने गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और गुरुत्व त्वरण को तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि इस दोनों का यूनिट क्या क्या होता है, इसका वैल्यू कितना होता है। आइए एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी इस चीज को नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गुरुत्व त्वरण और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक में कुछ और डिफरेंसेस की। जैसा कि अभी जस्ट हम लोगों ने इस दोनों के डेफिनेशन और फार्मूला को देखा, तो अब हम सबों के माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आ रहा है कि गुरु जी गुरुत्व त्वरण का यूनिट क्या होगा और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यूनिट क्या होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग गुरुत्व त्वरण की बात करते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, इसका ऐसा यूनिट जो है हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे गुरुत्व जो लगा हुआ है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि ये जो हमारा त्वरण है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चलते उत्पन्न होगी। बाकी इसका यूनिट क्या होगा, तो जैसे आप रेखीय त्वरण के लिए लिखते हो वैसे ही आप क्या लिखोगे, तो सर गुरुत्व त्वरण के लिए भी लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप सभी एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि गुरुत्व त्वरण का अन्न मात्रक भी होता है। गुरुत्व त्वरण का क्या होता है? अन्न मात्रक भी होता है। और अन्न मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर केजी होता है। क्या होता है? न्यूटन पर केजी होता है, जो कभी कभी आपको कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ मिलता है। तो आप सबों को परेशान नहीं होना है, गुरुत्व त्वरण का ये दोनों यूनिट अपने माइंड में रखना है। आप कहेंगे कि गुरु जी ये बताओ कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यूनिट क्या होगा, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो SI यूनिट होता है वो होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जहां भी आपसे पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यूनिट होता है, आप कहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गुरुत्व त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन पर केजी, जो आपके ऑप्शन में रहेगा आप उसको टिक कर लेंगे। आप कहेंगे गुरु जी ये बताओ कि क्या इस दोनों का कोई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी है? बिल्कुल है सर। और आप सभी ध्यान में रखना कि गुरुत्व त्वरण का मान जो है
गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो पृथ्वी तल पर हम लोग कितना लेते हैं, पृथ्वी तल पर हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। कितना लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो स्थान बदलने से क्या होता है, बदलते रहता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? स्थान बदलते से बदलते रहता है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू है वो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, यानी कि ये चेंज हो सकता है। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है इसका वैल्यू कितना होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि g इक्वल टू हम लोग कितना लिखते हैं, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। कितना लिखते हैं हम लोग? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। और साथ ही इसके साथ क्या लगाते हैं, इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। और यहाँ पर आपको एक चीज़ कंठाग्र कर लेना है कि ये जो आपका वैल्यू है, ये जो आपका वैल्यू है ये हमेशा फिक्स होता है। ये हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। स्थान बदलने से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि आप सभी क्या कहेंगे कि जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान g का मान स्थान बदलने से बदलता है। जबकि ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसका वैल्यू हमेशा निश्चित होता है और स्थान बदलने से इसके वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि गुरुजी ये बताओ कि जो गुरुत्वीय त्वरण है ये अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है, या फिर ये बताओ कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये अदिश राशि है या सदिश राशि है। अब बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे मित्र ये आइडिया तो लगा लेते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी बात हम लोग तब करते हैं जब किसी वस्तु को हम लोग ऊपर से नीचे की ओर छोड़ रहे होते हैं, तो कहते हैं कि पृथ्वी उसको गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचेगी। तो यहाँ पे चूंकि त्वरण लगा हुआ है तो हम लोग कहते हैं कि सर जब त्वरण सदिश राशि है तो गुरुत्वीय त्वरण भी सदिश राशि है। तो हम लोग सरल शब्दों में क्या कह देते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो क्या है, हमारा एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक में आके फंस जाते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है वो आपका अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जी जो है वो एक अदिश राशि है। जी क्या है? एक अदिश राशि है। ये डिफरेंसेस भी आप हमेशा अपने माइंड में रखेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि गुरु जी इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे जो जिस वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे उसका तो द्रव्यमान यहाँ पे है ही नहीं। हम लोग जनरली गुरुत्वीय त्वरण कैसे निकाल लेते हैं, तो आप कहते हैं कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है और जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है दोनों को गुना करके पृथ्वी के त्रिज्या के स्क्वायर से भाग कर देते हैं तो जी का वैल्यू आ जाता है। तो जो जी का वैल्यू होगा वो किसी न किसी वस्तु के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे वस्तु के द्रव्यमान का तो कोई यूज ही नहीं हो रहा है। मेरे मित्र जो यूज़ यहाँ पे नहीं हो रहा है यही चीज़ आपको याद रखना है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है ये वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। आप सभी न हो तो इस चीज़ को लिख लेंगे कि जी का वैल्यू वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी फिर ये बताओ कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसके मान में क्या होता है। मेरे मित्र मैंने इसके बारे में पहले ही लिख दिया आपको, ये हमेशा और हर जगह पे फिक्स होता है, स्थान बदलने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ध्यान में रखिएगा ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हमेशा ये क्या रहता है, नियत रहता है। तो अब आप सभी क्या कहेंगे, अब आप सभी कहेंगे कि गुरु जी अब हमसे कहीं भी जी और जी से संबंधित कोई भी अंतर पूछ देगा तो हम लोग ये आसानी से कह सकते हैं। जब भी पूछा जाएगा गुरुत्वीय त्वरण क्या है तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी
जब किसी भी वस्तु में उत्पन्न त्वरण जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है, तब उस वस्तु का जो त्वरण है उसको हम लोग गुरुत्व त्वरण कहते हैं, जिसको हम लोग सिंबल स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर हो जाता है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, अनदर बोलेगा तो न्यूटन पर केजी ले लेंगे। पृथ्वी तल पर इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और साथ ही इसका मान क्या होगा, तो सर स्थान बदलने के साथ बदलेगा, और साथ ही क्या कहेंगे, ये सदिश राशि है और इसका वैल्यू वस्तु के द्रव्यमान से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और जब आपसे कोई गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की बात करेगा तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी जब दो एक केजी के वस्तु को एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर रखा जाएगा तब उसके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होगा वो किसके बराबर होगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक या फिर स्थिरांक के बराबर होगा। और हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा जी होता है उसके लिए फॉर्मूला एफ आर स्क्वायर बटा एम वन इंटू एम टू होता है। एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है, कौन सी राशि है, अदिश राशि मेरे मित्र। साथ ही यहाँ पे आप सभी एक और चीज़ अपने माइंड में रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान है ये किसके द्वारा बताया गया था, तो आप सभी ध्यान में रखना कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का वैल्यू किसके द्वारा बताया गया, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा बताया गया था, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा बताया गया था। जबकि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसको किसने प्रतिपादित किया था, न्यूटन ने करा था। और साथ ही ध्यान में रखेंगे एक और डिफरेंसेस यहाँ पे आपका छूट रहा है और वो भी बड़ा ही पॉपुलर है और उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्या है, वो है बीमीय सूत्र को लेकर के। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि चूंकि यहाँ पे गुरुत्व त्वरण लिखा हुआ है तो इसका बीमीय सूत्र पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे बड़े आसान से कि गुरुजी जो बीमीय सूत्र त्वरण का होगा वही गुरुत्व त्वरण का हो जाएगा, एल टी टू दी पावर माइनस टू। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप कहेंगे एल टी टू दी पावर माइनस टू, और स्टैंडर्ड भाषा में लिखना है तो चूंकि यहाँ पे मास नहीं लेते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, एम नॉट, और साथ ही साथ क्या लिखेंगे, एल टू दी पावर वन, चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन रख देंगे, वैल्यू क्या होगा, एल ही रहेगा, तो m नॉट l टू दी पावर 1 और t टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू। आपका ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुत्व त्वरण का बीमीय सूत्र हो जाएगा। लेकिन आप सभी फंस कहाँ पे जाते हैं, तो फंस जाते हैं जब आपसे पूछा जाता है कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, तो भाई मेरे फंसना नहीं है। यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बटा एम वन इंटू एम टू। M1 और M2 क्या है, आप कहेंगे गुरुजी ये तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए बीमीय सूत्र में हम लोग क्या लिखते हैं, M लिखते हैं, और साथ ही ये क्या है, आप कहेंगे सर ये तो बल है, बल का डायमेंशनल फार्मूला आप कहते हैं MLT टू दी पावर माइनस टू होता है। R स्क्वायर क्या है, तो दोनों वस्तु के बीच की दूरी है, और दूरी क्या होता है, आप कहेंगे गुरुजी दूरी तो एक लंबाई होता है, तो जाहिर सी बात है कि दूरी के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, आप कहेंगे L। तो बस इसी सारे चीज़ को यहाँ पे रख देना है, चूंकि जब आप कह रहे हो कि G इक्वल टू सर फॉर्मूला होता है एफ आर स्क्वायर बटा एम वन इंटू एम टू, तो हम लोग यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, तो सर पहले यहाँ पे बल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बल है F है, तो क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे हम बल का बीमीय सूत्र एम एल टी टू दी पावर माइनस टू लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे दोनों के बीच की दूरी है और दूरी का स्क्वायर है तो दूरी को एल से रिप्रेजेंट करते हैं तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो लो चेला इंटू एल स्क्वायर कर दिए। अब बटा एम वन इंटू एम टू, दोनों वस्तु का द्रव्यमान होगा ना, तो यहाँ पे तो दो को एम हो जाएगा, एम अगुना एम, आप कहेंगे गुरुजी एम स्क्वायर लिख दीजिए। और मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर है वो क्या करेगा, तो जो आपका ये एम है उसको खा जाएगा और आपका नीचे एक एम बचा रह जाएगा, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लो, तो आप देखो यहाँ पे एल है टी टू दी पावर माइनस टू इंटू ये आपका एल स्क्वायर है, तो आप क्या कहेंगे कि सर जी ये एल और ये एल दोनों का बेस समान है, पावरवा क्या होगा जुट जाएगा, तो यहाँ पे कुछ होना है तो वन है, तो यहाँ पे वन है यहाँ पे दो, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी ये हो जाएगा एल टू दी पावर थ्री और ये क्या हो जाएगा टी टू दी पावर माइनस टू, अब बटा क्या होगा, आप कहेंगे एम। ध्यान देना चला कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एम है इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब आप एम ऊपर लेकर के जाओगे तो ये हो जाएगा एम टू दी पावर माइनस वन और एल टू दी पावर थ्री टी टू दी पावर माइनस टू,
बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, ये क्या हो गया? आप कहेंगे गुरुजी ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र हो गया। तो कोई भी आपसे पूछे कि गुरुत्व त्वरण का विमीय सूत्र, आप कहेंगे एल टी टू दी पावर माइनस टू, ना हो तो एम नॉट एल टू दी पावर वन टी टू दी पावर माइनस टू। और अगर कोई पूछ दे जो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तब आप कहेंगे एम टू दी पावर माइनस वन, एल टू दी पावर थ्री और टी टू दी पावर माइनस टू। मेरे मित्र अगर आपको जी और जी से संबंधित यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्व त्वरण इस दोनों से संबंधित इतना सा कंसेप्ट आपके माइंड में है तो मेरे ख्याल से इसके अंतर से संबंधित या इसके इर्द गिर्द से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।